दोपहर में मैं निकल जाता हूँ आत्मा को ठंडक पहुंचाने वाला अमृत लाने के लिए। तभी बाहर स्लीपर बेचने वाला आ जाता है। उसके बाद सस्ता सुविस्ता स्लीपर लेकर मैं घर आ जाता हूँ। घर आते ही शरीर को एक बूस्टर डोज का खुराक देता हूँ और निकल जाता हूँ आयुष्मान को स्कूल से लाने के लिए। घर आते ही ये दोनों अपने अपने डांस का प्रदर्शन करते हैं। इतनी ही देर में मैं कैब बुक कर लेता हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा था। और हम निकल जाते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। मेट्रो में जगह न मिलने के कारण हालत कुछ ऐसी थी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिक के लिए भी थी। मेरे उम्र के लोग तो दूसरे ग्रह से आए हुए थे, इसलिए कुछ था ही नहीं। जैसे तैसे करके हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच ही जाते हैं तो ट्रेन हमारी 9 बजे की थी। 2 से 3 घंटा इंतजार करने के बाद वहां पर स्टेशन का नजारा कुछ ऐसा। लोग लगेज तो ऐसे लेकर आ रहे थे जैसे लग रहा था कि आज ही इस ग्रह को छोड़ के चले जाएंगे। फाइनली हमारी ट्रेन आ ही गई और सकुशल हम लोग ट्रेन में प्रवेश भी कर गए। अपने सीट पे बैठने के बाद मेरी बर्थ अपर वाली थी तो रात होते ही मैं मस्त नींद मारा और सुबह होते ही एक हल्की सी चाय पीते पीते हम बक्सर पहुंच गए। बक्सर स्टेशन से बाहर निकलते ही बक्सर की प्रसिद्ध पापड़ी का दर्शन किया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब।